एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ इशरत हियर. दिस इज़ माय थर्ड व्लॉग. आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. तो आज भी मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि इसमें भी हम नाश्ता ही बनाएंगे. वी आर मेकिंग नाश्ता एंड चाय, एंड शायद मैं बाहर जाऊँगी तो शूट करूँगी, पता नहीं. यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीज़ ऑमलेट ब्रेड. तो फिर ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसे ज़्यादा कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं लगती. मैंने एक बोल में 3 अंडे लिए थे, फिर मैंने उसमें प्याज चॉप करके डाला, कोरिएंडर और हरी मिर्चें. फिर मैंने पैन में बटर ऐड किया. बटर मेल्ट होने के बाद फिर मैंने उस स्लाइस ब्रेड को पैन में रख दिया. फिर उसके ऊपर ना मैंने थोड़ा सा चीज़ ऐड कर दिया. तो ये बहुत ही खाने को बहुत ही डिलीशियस और बेहतरीन लगती है. तो आप भी ट्राई कीजिए. लुक, दिस लुक्स अमेजिंग. खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती. सो हियर चाय इज़ कॉन्स्टेंट. चाय के बिना मेरा व्लॉग नहीं चल सकता. तो मैं अभी चाय सर्व करने लगी हूँ और ये मैंने चाय रख दिया. सो आई एम हैविंग ये पपाया, विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट फ्रूट. एक्चुअली ना पपाया के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये इनडाइजेशन में बहुत ही अच्छे से काम करता है, और इसमें वाइटमिन सी भी पाया जाता है, और ना इसमें ना दूसरे फ्रूट्स के मुकाबले शुगर बहुत ही कम पाई जाती है, तो विच इज़ ग्रेट. और ना सबसे बेहतर है कि ये खाने में बहुत ही मज़े का लगता है. सो आई जस्ट लव टू ईट दिस. खैर, दूसरी तरफ आते हैं. यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले भटूरे. तो मैंने रात में ही इसको भीगने के लिए रख दिया था. जब मैं इसको भिगा रही थी ना, तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती ऐड की थी, क्योंकि ना ये सफ़ेद होते हैं. जब इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती वगैरह ऐड की है ना, तो उसका कलर इसमें थोड़ा सा आ जाता है और देखने को बहुत सही लगते हैं. तो फिर इसे मैंने अच्छे से वॉश किया. वॉश करने के बाद मैं इसमें से थोड़ा पानी ऐड करूँगी, और पानी ऐड करने के बाद ना मैं इसमें थोड़े खड़े मसाले डालूँगी, जैसे तेज पत्ता और क्या, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता. फिर इसमें ऐड करूँगी हल्दी और थोड़ा सा नमक. फिर ऐड करने के बाद ना मैं इसको ढक के रख दूँगी. थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा हो गई तो मैंने साइड से निकाल ली. ओके, मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं कुकर में. सारी चीज़ें नहीं, छोले लगा दिए हैं. तो फिर मैं दूसरी तरफ ग्रेवी की तैयारियां कर रही हूँ. तो फिर उसके लिए मैंने लिए हैं 4 से 5 प्याज. तो फिर हमें चॉप करना है, बहुत ही बारीक क्यूब्स में कट करना है. तो फिर मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ. प्याज अब स्लाइट ब्राउन हो चुकी है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमेटो प्यूरी. मैंने 3 टमाटर लिए थे. फिर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़रूरी स्पाइसेस, जो कि हल्दी, नमक और मिर्च, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऐड किया है. मिर्च मैं भर भर के डाल रही हूँ. और फिर मैं यहाँ पे छोले मसाला डाल रही हूँ. तो फिर मैं इसको धीमी आंच पर पकने रखूँगी, और थोड़ा सा इसको चलाते रहना है क्योंकि ये कहीं नीचे लग ना जाए. तो फिर मैं यहाँ पे चलाते रह रही हूँ.
तो मैं यहाँ पे कुछ ड्रामा करती हुई नज़र आ रही हूँ। खैर, यहाँ पे थोड़ा सा तेल निकल रहा है, तो अब इसमें हम ऐड करते हैं छोले, और हमने थोड़ा पानी भी ऐड किया है, और ऊपर से कोरिएंडर डाल रही हूँ। तो ये तो पक के रेडी हो गया है, मैंने फाइनल नहीं लिया है लोग। तो अभी मैं यहाँ पे पूरियाँ तल रही हूँ। पूरियाँ भी मैं जल्दी जल्दी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है व्लॉग, तो मुझे ख़त्म करना है। तो खैर, पूरी भी बन के, सॉरी पूरी नहीं, भटूरे बन के तैयार हैं। तो फिर मैंने सारी चीज़ें मेज़ पर भी लगा दी हैं। अब्बा नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। और ये बहुत ही डिटेल्ड रेसिपी थी, अब बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। पता है मैं बहुत, मतलब इतने अच्छे व्लॉग नहीं बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट भी होता है ना, हाँ कमेंट भी कीजिए।